गाइस वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, DIY स्लीपिंग मास्क। और स्लीपिंग मास्क का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं जो बाओ का स्लीपिंग मास्क यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैंने भी सोचा चलिए वो तो मैं यूज़ कर ही लूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं जान लेती हूँ कि DIY बनाकर देखती हूँ, अगर अच्छा वर्क करेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से ये वर्क किया है फ्रेंड्स, और मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। और ये सारे स्किन सूटेबल है, तो आप भी ये स्लीपिंग मास्क यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये इसी उसी तरह का है, बिल्कुल ये वाइट है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो आप भी इस स्लीपिंग मास्क को यूज़ करना चाहें ना फ्रेंड, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और ये स्लीपिंग मास्क इतना अमेजिंग है, इतना अच्छा काम करता है, सेम ऐसे ही यूज़ करना है आपको, जैसे आप जो प्रोडक्ट वाला होता है ना, जो कंपनी वाला जो स्लीपिंग मास्क होगा, उसी तरह से आप यूज़ करना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से बनाया है और किस तरह से इसको अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और भी न्यू न्यू अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मैं मोटिवेट रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो और अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर लीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस अभी और लाने वाली हूँ, क्योंकि विंटर्स आ रहा है। विंटर्स में तो इस तरह के स्लीपिंग मास्क हो या फिर DIY फेस पैक हो या फिर बॉडी पॉलिशिंग पैक हो फ्रेंड्स, और ये स्लीपिंग मास्क जो भी अभी न्यू ब्राइड है ना, जो बनने वाली हैं, अभी इनकी मैरिज होने वाली है, तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकती हैं। उनकी स्किन एकदम ग्लो करेगी, और बहुत ज़्यादा जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है वो भी इसको यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए कि मैंने इसको किस तरह से बनाया हुआ है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। तो फ्रेंड्स इस स्लीपिंग मास्क के लिए हमें चाहिए ये है लेज का, और ये है एलोवेरा जेल। तो मैं इसको ले रही हूँ 1 स्पून, इतना ले रही हूँ मैं, ये देखिए। और ये स्लीपिंग मास्क बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रेंड, तो मैं इसको ले रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ आलमंड ऑयल, और ये स्वीट आलमंड ऑयल ले रही हूँ मैं, हमदर्द का रोगन बादाम शीरीन वाला। तो आप इसको ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो। मतलब कि ये स्लीपिंग मास्क है और विंटर्स के लिए ये बहुत ही अमेजिंग काम करने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ। अगर आप मेरे व्यूअर हो तो आपके पास होगा ही ये सारी चीज़ें होंगी, और आपके पास अगर ये वाला एलोवेरा जेल नहीं है तो आप पतंजलि वाला ले सकते हो, आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं। और उसके बाद मैं ले रही हूँ मेरिट वीसीओ का एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल, इसको भी मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, 2-3 ड्रॉप 4 ड्रॉप डाल लीजिए। इसके बाद ऑप्शनल है, इसको आप ले सकते हो एसेंशियल ऑयल, मैं ले रही हूँ लेवेंडर का, मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, तो 2 ड्रॉप ले लूँगी मैं एसेंशियल ऑयल, और मैं इसका परचेस लिंक आपको दे दूँगी, 2 ड्रॉप ही लिया है मैंने। और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए आप, फिर आप अपने फेस पर, आप इसको चाहे तो रोज़ भी बना सकते हो, या फिर आप एक कंटेनर बना कर रख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा काम करता है, और इतना अच्छा काम करेगा ये आपके फेस पर, आपकी जो फेस पर तो ग्लो ऐड करेगा ही, लेकिन आपकी स्किन को हेल्दी बना देगा और प्लम्प कर देगा। आप सुबह जब फेस को वॉश करोगे ना, ल्यूकॉम वाटर से वॉश करिएगा, या फिर आप नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हो फ्रेंड, लेकिन ये फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग काम करता है। ये देखिए अभी क्रिस्टल जैसा दिख रहा है ना, लेकिन इसको अच्छे से मिक्स करना है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, उसके बाद आप इसको फेस पर अप्लाई कर लीजिए, और 5 मिनट्स के लिए फेस को मसाज कीजिए, और क्लीन फेस पर ही आपको इसको अप्लाई करना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि इसको मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ और कैसे मसाज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर ले लिया है इसने, और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाता है ये। आपको इसको अच्छे से अच्छे से मिक्सअप करना है, ऑब्जर्व नहीं करना है, तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इससे आप
अच्छे से इसकी जो लेयर होती है ना फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, उसके बाद इसको अप्लाई कर लीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा ये काम करता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको लगा करके। ये देखिए, और मेरा फेस एकदम क्लीन है फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप इससे मसाज भी कर सकते हो, 5 मिनट्स के लिए आप मसाज कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ऑयल को आप कम करिए। वैसे तो विंटर्स में सभी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, ऑयली हो चाहे आपकी ऑयली भी है ना तो भी आप इसको लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे से ये काम करेगा। और मैंने एसेंशियल ऑयल इसलिए ऐड किया है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह हो जाती है। तो आप इसको इस तरह से हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, 2 मिनट्स कीजिए, आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप मसाज कर सकते हो। 5 मिनट्स के लिए आप मसाज कर लीजिए इस तरह से। इसी तरह से आप सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करिए 5 मिनट्स के लिए, और फिर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये सब पूरा ड्राई हो जाएगा। और आप ऐसे ही सो जाइए, ये पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा बिल्कुल से, और आपका जैसे अभी दिख रहा है इस तरह से नहीं होगा, जब आप मसाज करते रहेंगे तो ये पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, आपकी स्किन बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेगी। तो मैं दिखाती हूँ बाद में, आपसे मिलती हूँ किस तरह से। आप इसको हफ्ते में आप डेली भी लगा सकते हो, और जो स्लीपिंग मास्क मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रहे हैं, तो आप इसको यूज़ करके देखिए, वही पूरा वही वर्क कर रहा है ये। तो मैंने इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी यूज़ करके देखिए, बनाकर देखिए, DIY है और इससे कोई आप प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सुबह आप खुद देखेंगे आपकी स्किन बिल्कुल हाइड्रेट है, स्किन पे ग्लो एक ऐड हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्किन लगेगी एकदम, आपको कुछ भी चीज़ लगाने की नीड नहीं रहेगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है और आपको अप्लाई किस तरह से करना है, ये भी आप लोगों ने देख लिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे DIY ऐसे फेस पैक वगैरह हैं और बॉडी पॉलिशिंग वगैरह है और जो मैंने ग्लोइंग पैक बनाया है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, आप लोग ये ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि जो भी हम DIY यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं, ग्लो प्रोवाइड करते हैं, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और बहुत ज़्यादा स्किन आपकी बहुत ज़्यादा विंटर्स में क्या होती है कि बहुत ज़्यादा ड्राई होती है स्किन, तो ड्राई स्किन होने के कारण हमारी स्किन में लाइन्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, जगह जगह से कहीं ब्लैक हो जाता है, कहीं कहीं पर मतलब अनइवन टोन स्किन हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा फ्रेंड्स। और आप इसको पूरी नाइट लगा के रखिए तो आपकी स्किन एकदम से हाइड्रेट रहेगी, प्लम्प रहेगी और आपकी स्किन ग्लो भी प्रोवाइड करेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है अभी, आप लोग खुद भी बता सकते हो, तो आप देख लीजिए मेरी स्किन कैसी दिख रही है और अच्छी दिख रही है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी स्किन जो है वो अच्छी इम्प्रूव हो रही है या डल हो रही है, ये आप मुझे बताइएगा, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं तो सभी की स्किन में प्रॉब्लम होती ही होती है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हर स्किन सूटेबल के लिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, ये DIY स्लीपिंग मास्क बनाया हुआ है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये स्लीपिंग मास्क कैसा लग रहा है और यूज़ किया है आप लोग। और डेफिनेटली आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं ना फ्रेंड्स तो, और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, मैंने इसमें जो एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है, अगर आपको उसका परचेस लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, अगर आप लोगों को लेना चाहें तो ले सकते हो, मैं उसमें दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि अगर आप विंटर्स आ गया है तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एसेंशियल ऑयल वगैरह तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उससे स्किन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप जब कोई भी एक एसेंशियल ऑयल यूज़ करके देख लीजिए, उसके बाद आप लेना चाहें तो आप दूसरा चेंज
चेंज करके ले सकते हो या फिर एक साथ मत मंगाइए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को बता देती हूँ मैं कि गुड वाइब्स का एसेंशियल ऑयल्स या फिर पर्पल के या फिर आप हेल्प्स गुडनेस के किसी के भी आप यूज़ कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं ये। और विंटर्स में तो हमेशा कोई ना कोई एसेंशियल ऑयल हमेशा यूज़ करना चाहिए, चाहे आप बॉडी वॉश कर रहे हो, चाहे आप किसी पैक में यूज़ कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी, अगर आप ऐसे ही कोई मसाज कर रहे हो ना, अगर आप DIY फेशियल कर रहे हैं तो उसमें भी आप यूज़ करिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मेरे वीडियोस में आप लोगों को क्या इम्प्रूव चाहिए ये भी मुझे बताइएगा, और मेरा ये लुक कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं, और मुझे कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे रिलैक्स हो जाता है कि हाँ मुझे भी अब लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे अच्छा कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ये रहता ना कि मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो जल्दी जल्दी से, मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बढ़ जाए, थोड़ा सा होप है मुझे कि जल्दी हो जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए और मेरा जो वॉच टाइम है मेरे चैनल का जल्दी से ग्रो कर जाए। तो चलिए फटाफट से मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और जैसे आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का और आप उसको मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स, बाय।